36 days, काफ़ी एक्साइटमेंट है ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों की, और ये नाम ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है 36 days, तो लोग जानना चाहते हैं ये है क्या। 36 days 36 दिन की कहानी है। एक गोवा की एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर 4 बंगलो है और 4 फैमिली रह रही है, और इन सब के बीच में एक 5वां बंगलो है जो खाली पड़ा हुआ है, और उसमें रहने आती है नेहा का कैरेक्टर जो है फारा। और जैसे ही वो आती है वहाँ रहने, क्या खलबली मचती है उस सोसाइटी में, और फिर क्या होता है इसके बारे में बताती है कहानी है। इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे बहुत सारे, कॉमेडी मिलेगा आपको, सैडनेस मिलेगा थोड़ा सा, साइकोलॉजिकल हॉरर मिलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे पूरा सारा ही पूरा ही बुफे लगा हुआ है, आप जो चाहिए आप फ्लेवर ले सकते हो। आई लव दैट मूवी सर। निया जी, आपके कैरेक्टर को हमने जहाँ तक अभी देखा जी, आप रोमांटिक से सैडनेस से लेके किसी को बिट्रेड करते हुए दिन नजर आए, तो कुछ डिफाइन करना चाहते हैं? थ्रिलर है, जैसा कि अभी विशाल ने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फारा के कैरेक्टर में मैं यही कहूँगी कि एक एक लेयर उसका पील होता जाता है, हर एपिसोड में कुछ नया आप डिस्कवर करते हैं। आप सोचते हैं कि चलो फारा ऐसी है, फिर कुछ और होता है, फिर आपको पता चलता है अरे फारा ऐसी है, फिर कुछ और। तो मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको पता नहीं कि फारा कैसी है। तो आई थिंक दैट्स द होल शो ऑल अबाउट फॉर फाराज कैरेक्टर। 36 डेज में मेरा कैरेक्टर का नाम है टोनी वालिया। टोनी वालिया जो है वो मकान मालिक है। ये जो गेटेड कम्युनिटी के बारे में जो बात हो रही है, वो उसके सारे बंगलों उसने किराए पे दे रखे, वहीं पे फराजी आके रहने लगती हैं, और इनका आँख पटक का हो जाता है इनको। ये थोड़े से जो टोनी वाले, आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके पास नया नया पैसा आया है और बहुत लाउड माउथ है, ज़ोर ज़ोर से बात करता है, बात करने का सलीका नहीं है। एक बीवी है, खूबसूरत लड़की जो बीवी है घर पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वहाँ फिरता है, और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है। मुझे लगा इसमें एक ब्लैक ह्यूमर है, थोड़ा इविल भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा इस कैरेक्टर में कि एक ह्यूमर है उसमें, लाउड ह्यूमर, तो वो है टोनी वाला। टफ नहीं था, इनफैक्ट ईजी था, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये सब जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े OTT के जो दिग्गज है आज के ज़माने में, फिल्म में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन OTT में तो है ही ये, मतलब नंबर वन की टॉप कास्ट है ये। तो मुझे लगा था थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया, इन्होंने परफॉर्मेंस में भी आसान कर दिया, और साथ में जब मिल के काम कर रहे थे तो और ईजी हो गया था काम करना, तो काफ़ी ईजी जर्नी रही। मस्ती ये लोग कर रहे थे, पता नहीं टाइम कहाँ से निकाल रहे थे, ऐसा मुझे सुनने में आया कि इन्होंने बड़ी मस्ती की है। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि कहाँ कर रहे थे मस्ती, बिकॉज आई फील बहुत बहुत काम कराया है। बदतमीज लड़की हो यार। बहुत काम कराया। खाने में क्या मंगाया, जो जो मंगाया गया तो मैं सब व्हाट्सएप पे शेयर करता था मेन्यू। दैट्स ट्रू, ये सही बात। तो सेल हाउस स्वीट आया, चौनक मछली कभी खाई थी तुमने? नहीं। हाँ, तो फिर तुमको एक्चुअली गोवा में कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है वो सब चंदन को पता था। तो हम सारा लंच में क्या खाने वाले, वी यूज्ड टू गो टू चंदन एंड यूज्ड टू टेल अस यहाँ से मछली मंगानी है और वहाँ से मंगानी है, और मैं यहाँ से मंगा के खिलाता हूँ। आई थिंक उसने सबको खिलाई है, सबको खिलाया। शूट के बाद कई बार थोड़ा वक्त मिलता था, मैं कहीं जाता था एक अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से ये वक्त सिर्फ नहीं मिला, फोटो मंगा दी थी, करिए कहाँ पे है मुझे बताओ क्या मंगा रहे हो। यू वेंट टू ऑल द गुड स्पॉट्स। हाँ, तो ये सब हम लोगों ने ऑफ द सेट काफ़ी मज़े भी किए हैं जी। जब एक ही सीरीज में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो सैडनेस हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, तो अपने आप को चेंज करना पड़ता आपको कुछ कुछ मोमेंट के लिए, कोई अलग सीन के लिए, कुछ अलग अलग सीन के लिए, वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है? आई फील ही इज अ सीजन्ड एक्टर, कुछ भी कर लेंगे ये, ऐसे ही चुटकी बजाते ही। बट मेरे लिए बहुत टफ था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स दैट आई हैव डन, बिकॉज फारा इज नॉट प्रिडिक्टेबल। हर एपिसोड में कुछ नया कर रही है वो, और उसका माइंडसेट कुछ और है, और उसकी एक बैक स्टोरी है, वो चीज़ें क्यों कर रही है, और कहानी में धीरे धीरे सब सीक्रेट्स बाहर आते हैं। तो आई फील इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड क्रिएटेड बाय विशाल एंड द टीम। तो हमें सारी होमवर्क करके दिया जाता है एज एक्टर्स, और फिर यू पुट योर टीथ इन एंड यू टेक इट टू अनदर लेवल वेयर यू कैन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो कहानी लिखी गई थी वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, और सारे किरदार ब्यूटिफुली लिखे गए हैं। सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड सच अ ह्यूज एनसेंबल कास्ट। एक्चुअली
एक ग्लैमर लुक बाहर आने के बाद आपका जो भी कोई भी पिछला काम भी ले ले उसमें एक क्रिएटिव अवतार आपका जो भी देखने को मिलता है, उसके बाद अगर आप चाकू लेके सामने आ जाते हो लोगों के वो कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो उस चीज़ से क्या रिस्पॉन्सेज मिलते हैं आपको? आई थिंक अभी तक सो फार जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको मज़ा आया है, तो वो जो इंट्रीग बनाने का काम एक ट्रेलर करता है कि ट्रेलर देखा अभी आगे क्या है, क्या हो रहा है शो में, वो इंट्रीग इस ट्रेलर ने शायद बनाया है मुझे जहाँ तक जितने रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं, जैसा कि ये लोग भी बता रहे थे कि जो लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर के। आई एम होपिंग कि बाकी लोग भी ट्रेलर देखने के बाद शो देखने के लिए आएंगे टू सी क्या होता है शो में। ज़्यादा नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर कैरेक्टर ऐसे करने लग गए एज एन एक्टर जो मैं बहुत रिलेट करता हूँ तो बहुत काम आसान हो जाता है, लेकिन इस तरह के लोग मैंने बहुत देखे हैं जो इस तरह के होते हैं, मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मैं ऐसे कुछ किरदारों से मिल चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ, लेकिन वही मज़ा है करने में कि जब आप रिलेट नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को फिर आप ढूंढते हैं, देखते हैं, डायरेक्टर आपको आइडिया देता है, राइटर जो आपको स्क्रिप्ट देता है, को एक्टर्स, तो उस हिसाब से मेरे लिए इतना रिलेटेबल नहीं है रियल लाइफ में ऐसा। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों के प्रीवियस काम को जब अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने लगते हैं, अच्छा प्यार मिल जाता है, तो आगे के काम को लेके आप लोग कितने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो कि ये जो हमारा बना हुआ है प्रीवियस काम का इफेक्ट वो बरकरार है? बिल्कुल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं ऑडियंस का टाइम और अगर थिएटर में फिल्म हो तो उनका पैसा, दोनों ही लेके मैं उनके दो घंटे जिंदगी के ले रहा हूँ, उनके कुछ पैसे ले रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ, एक अच्छी कहानी बताऊँ, जितना मेरे से हो सकता है टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं अपना 500% डालूंगा, बाकी ऑडियंस की पसंद नहीं पसंद उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी काम बाहर रखूँ वो बहुत ही मैंने पूरा 500% डाला हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैंने सारा उसमें डाल दिया, बहुत ज़रूरी है। सर बिल्कुल, जैसे विशाल सर बोल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं करियर में और अगर आपको पिछले काम के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और ऑडियंस का प्यार मिलता है जनता का, तो आप सोचते हैं कि और अपने आप को मुझे लगता है एज ए अभिनेता कि मुझे आई वॉन्ट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ, नए नए किरदार करूँ जो पुराने किरदार से उसके कोई मेल ना खाए ज़्यादा, और नई चीज़ें करने की कोशिश करूँ, तो मेरा कॉन्स्टेंट सर्च वही रहता है कि कुछ नया करूँ जाके ऑडियंस को कुछ नया मिले, कॉन्स्टली चैलेंज माई सेल्फ। विशाल जी, अभी आपने ऑब्वियसली अपने किरदार के बारे में बताया, कहानी कैसी होगी ये बताया, 36 डेज ओटीटी का ज़माना है, बहुत सारी फिल्में इस तरह की बन चुकी हैं, बहुत सारी सीरीज लगातार आते जाते हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ 36 डेज में ऐसा क्या अलग है कि ऑडियंस ग्रैब होगी और वो देखना चाहती? 36 डेज थ्रिलर है, लेकिन ये एक जो एक टेम्पलेट बन चुका है कि जहाँ हम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर करते हैं क्योंकि मर्डर हुआ है और पुलिस आती है और तहकीकात होती है और फिर विटनेस पता करते हैं, या तो फिर कोई दूसरे तरीके के जो टिपिकल थ्रिलर्स जो आजकल चल रहे हैं टेम्पलेट चल रहा है उससे ये थोड़ा सा ब्रेक करता है, ये एक्चुअली 36 दिन की कहानी बताता है ये सारे कैरेक्टर्स की, कि वो आपस में उनके क्या रिश्ते थे, जब उनके फैमिली में अंदर के क्या रिश्ते थे, उनके क्या इश्यूज़ थे, और जब ये नया कैरेक्टर आता है और एक डायनामो की तरह एक तूफान की तरह उनकी ज़िंदगी में आता है और जब तहलका मचाता है तो उनके अंदर के जो दबे हुए सीक्रेट्स है, जो टैगलाइन है सीक्रेट्स आर इंजरियस टू हेल्थ, तो दबे हुए जो उनके सीक्रेट्स है वो कैसे बाहर आते हैं, उससे क्या कहानी में बदलाव आता है, ये एक नई कहानी है, तो एक तरीके से कैरेक्टर ड्रामा है इन द गार्ब ऑफ अ थ्रिलर, तो ये एक अलग चीज़ है और ये मुझे एक्साइट कर रही थी इस शो को करने के लिए कि मैं टिपिकल एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ तहकीकात हो रही है पुलिस आकर तहकीकात कर रही है, यहाँ कोई पुलिस नहीं आ रही, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बस इनकी एक बहुत ही ऑनेस्टली बोली गई कहानी है सारे कैरेक्टर्स की एक साथ। आपने कब सोचा था कि आपको ऐसा सीरीज बनाना है 36 डेज? नहीं, ये मेरी लिखी कहानी नहीं है, ये BBC और अपलॉज ने मुझे ऑफर किया था, ये अडेप्टेशन है एक यूरोपियन शो का जो बहुत ही साल पहले बना था OTT के एरा से पहले, और उन्होंने जिस तरीके से उसको बनाया था वो बहुत अलग तरीके से बनाया था, और अब जब हमने उसको अडेप्ट किया है तो हमने बहुत अलग तरीके से अडेप्ट किया है, इंडिया को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ के ऑडियंस के उनके रिलेटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो सारा ध्यान में रखते हुए इसको अडेप्ट किया हुआ है, तो ये जब मुझे मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, एक ट्रीटमेंट में दे सकता हूँ, दूसरा कि ये पांचों जो घर है अपने अपने वो अलग अलग जॉनर है, हर एक में एक अलग जॉनर है,
कहीं थोड़ा सा हॉरर है, कहीं थोड़ा सा थ्रिलर है, कहीं थोड़ा सा ड्रामा है, कहीं थोड़ा सा सैडनेस है, तो उस तरीके से बहुत सारा एक मेरे मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एज अ मेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने के लिए, तो मेरे लिए एक्साइटिंग था और इसलिए मैंने बोला कि नहीं ये पक्का करना चाहिए। जी तो सारी चीजों को एक धागे में पिरोना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपने कैसे इस चैलेंजेस का सामना किया? वही तो काम है कि उसको कैसे करना है और वो बैलेंस करते हुए आप क्या दे सकते हो जो मुझे लगता है सही है, बाकी अब ऑडियंस देख के डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा एडिटिंग यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर ऑडियंस अबाउट दिस शो? The most important thing that we need to say is 12th July को शो आ रहा है हमारा सोनी लिव पे, तो प्लीज़ अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो जाके ज़रूर देखिए एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट। थैंक यू। नेहा मैम नेहा जी सेंटर में एकदम Yes, sir. Yes, sir.